बंद के दौरान नागपुर में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। इस दौरान सरकारी और निजी वाहनों को निशाना बनाया गया, पथराव कर वाहनों के कांच फोड़ दिए गए। कहीं बस पर पथराव कर उसे आग के हवाले कर दिया गया तो कहीं ट्रेनों को रोककर पटरियों पर भी उत्पात मचाया गया। भारत बंद के दौरान दोपहर करीब 3:15 बजे के आसपास बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष बालू मेश्राम ने अपने 200 दलित कार्यकर्ताओं के साथ कामठी रोड स्थित गुरुद्वारा के पास के रेलवे ओवरब्रिज पर तमिलनाडु एक्सप्रेस को रोक दिया और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए इंजन पर जा चढ़े। आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने कार्यकर्ताओं को शांत किया। लगभग 45 मिनट बाद ट्रेन को रवाना किया जा सका। बालू मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए बताया कि आंबेडकरी समुदाय इस तरह के फैसले को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा और यदि कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेगा तो भविष्य में इससे बड़ा आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। सबसे पहले मैं अपने भारतवासियों से और एससी एसटी समाज से मेरी इतनी गुजारिश है कि ये जो सरकार जो नीति अपना रही है, इस नीतियों को अपना कर सुप्रीम कोर्ट प्लस सरकार, ये षड्यंत्र पूरी सरकार का है, पर ये सरकार ने अपना ठिकरा इस सुप्रीम कोर्ट के जज पर फोड़ा है ताकि इनके ऊपर कोई आपत्ति ना आए। लेकिन हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हमें इतनी जानकारी है कि बिना सरकार के सहमति के ये एट्रोसिटी एक्ट का जो बदलाव हुआ है सरकार की सहमति के साथ ही हुआ है और सरकार चाहती है कि एससी एसटी जो लोग हैं वो पुराने ही अपनी काम करने में आए और पुराने जो उनके साथ में जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है और ऐसे अत्याचार बढ़ते रहे और इनकी सरकार ऐसी आगे चलती रहे। ऐसा इस सरकार का ये सरकार जानबूझ के ऐसा काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का नाम कर रही है, क्योंकि सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं वो सरकार के नुमाइंदे ही सुप्रीम कोर्ट को चला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जानबूझकर जो फैसले जो लिए जा रहे हैं ये ऐसी फैसलों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरा देशवासियों से ऐसा निवेदन है कि साथियों, आज ये जो सरकार अपने को तोड़ने का और कमजोर करने का जो काम कर रही है ये देश जनहित पार्टी और एसटी एसटी लोग इतना अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि कायदे को पहली की तरह नहीं किया गया तो आज का जो आंदोलन था, आज जो हमने ट्रेन रोके, आज जो हमने दुकानें बंद करवाई, ये शांतिप्रिय था लेकिन इसके आगे का खामियाजा इस सरकार को देश जनहित पार्टी की तरफ से भुगतना पड़ेगा। इसके लिए ये सरकार जवाबदार रहेगी। अगर आने वाले समय में जो भी हिंसक आंदोलन होंगे इसकी सारी जवाबदारी ये सरकार को लेना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान किसी भी पैसेंजर को नुकसान पहुंचाने की खबर नहीं है। बहरहाल सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार तो नहीं किया लेकिन धारा 179 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस भारत बंद के दौरान अनेक ट्रेनें प्रभावित रही। ट्रेन संख्या 07006 रक्सौल हैदराबाद 14 घंटे, 22404 नई दिल्ली पुडुचेरी एक्सप्रेस 8 घंटे, 17609 पटना पूर्णा एक्सप्रेस 1.5 घंटे, 12650 निजामुद्दीन यशवंतपुर कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 4 घंटे और 12642 निजामुद्दीन कन्याकुमारी एक्सप्रेस करीब 4 घंटे देरी से चली। सनी भोंगाड़े की रिपोर्ट, चिटपेल न्यूज 24 के लिए।